हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नेमली सर्च नेट। सो आज हम किरण को बचाने जा रहे हैं और आप मेरे आउटफिट देख सकते हो। आज मैंने नई खरीदी है और ये लाइटनिंग वाले आउटफिट है और मैक्स लेवलर कुछ इसका नाम है पीस है और वही उसी टाइप की गाड़ी भी है जैसे जो कि ये गाड़ी हमें किरण ने गिफ्ट दी है। सो इसलिए हमें किरण को बचाना है, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारी पार्टनर भी है, उसने हमें बहुत मदद की है। जब हम इस गैंगस्टर वेगस के सिटी में पहली बार आए उसी ने हमें मदद की। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, जितने भी पैसे इस वेगस सिटी में, मतलब 50% क्रेडिट किरण को जाता है, इसलिए हमें किरण को बचाने के लिए जाना होगा। सो और जो कि फ्रैंक ने उसको किडनैप किया है, फ्रैंक ने नहीं किया है, फ्रैंक ने बोला है बनी एक हमारा ही साथी था, उसने भी हमारी बहुत सारी मदद की है, उसको बोला है कि आप इसे किडनैप कीजिए बिकॉज क्योंकि जो कि ये फ्रैंक ने उसको पैसे दिए और आई डोंट नो क्या किया है उसके साथ, शायद पैसे भी दिए। सो इसलिए उसने किरण को किडनैप किया। सो अभी हमें जाना है सिटी ऑफ सेंट्स के पास, जिसके सिटी ऑफ सेंट्स उसी का एक बार है, वहीं पर जाना है क्योंकि वहीं पर इसका नाम क्या है फ्रैंक ने किरण को रखा है। और अभी आज ना बहुत अच्छी फाइट भी होने वाली है बिकॉज कि हमें मतलब किरण को बचाना है और वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी होंगे और वहीं पर हम फैसला करते हैं कि हम बनी को छोड़े या मार दें उसी की। वो भी सिर्फ बनी नहीं कुछ, उसका नाम है बैनी यस गाइस, सॉरी क्योंकि मैं कैरेक्टर्स की तरह इतना ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए मुझे नाम अच्छी तरह से याद नहीं है। मुझे वीरा किरण और ईमैन का नाम अच्छी तरह से याद है। अभी हम पार्किंग में लगा लेते हैं अपनी कार और अब हम जाते हैं ऊपर क्योंकि ऊपर ही इसका नाम क्या है किरण है। सो पहले हम जाते हैं डोर के पास और इसका नाम क्या है किरण के पास जाते हैं। सो वेट कीजिए, पहले हम जाते हैं इस लिफ्ट के पास और हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ ईमैन भी है और वीरा भी है। सो देखते हैं वीरा बोल रही है गो टू सी यू किड शो व्हाट इज द प्लान। तो पहले आप ये बात सुन लीजिए कि वीरा और ईमैन हमें क्या बोल रहे हैं, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। तो अब हमें जाना है सिटी जो कि ये कैसीनो है, इसके अंदर जाना है यस गाइस। इसके अंदर जाने के बाद हमें इसको प्रोटेक्ट करना है और बचाना है। तो पहले हम ये मेरी तलवार है, तलवार के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। सो यहीं पर मेरी कार भी थी, आई डोंट नो कार कहाँ पर है। सो पहले हम यहाँ पर जाते हैं, हमारी कार कहाँ पर है, वो रही हमारी कार ऊपर है। तो अब हम जाएंगे इस कैसीनो के अंदर, कैसीनो के अंदर हम घुस चुके हैं, अब थोड़ी लोडिंग लगी और हम घुस चुके हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। सो अब हमें अंदर देखने के देख सकते हो आप जीएसएन का लुक आज, चूँकि इसकी आउटफिट मैंने चेंज की है और इसका हेयर स्टाइल भी, और यहाँ पर जो कि ये एनिमीज हैं इनको हमें मारना है, उनको मारना है। सो वेट कीजिए, पहले वेट कीजिए, यहाँ पर ये शो कर रहा है एनिमीज, शायद 10 एनिमीज नीचे थे, पहले हम इनको मारेंगे फिर हम जाएंगे ऊपर। ऊपर जो कि लास्ट वाला फ्लोर है वहीं पर रखा है किरण को। सो हमने 5 बंदों को तो मार दिया है, हमें एलिवेटर के पास जाना है, एलिवेटर मतलब हुआ लिफ्ट, लिफ्ट के पास जाना है हमें और इससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं। सो वेट कीजिए, अब हमें जाना है यहाँ पर। सो और 4 बंदे शायद, एक है और कहाँ पर, और एक है जो कि ये रहा, इसे भी हमने मार दिया। सो वेट कीजिए, ताए इनको मारना भी नहीं आता है, इसका नाम क्या है वीरा और ईमैन को फजूल में है हमारे साथ। सो अब मैं एलिवेटर के पास पहुंच चुका हूँ, अब मैं इस पर चढ़ूँगा। सो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब हमें एक मतलब फ्लोर चूज़ करना है, किस फ्लोर पे हमें जाना है। सो यहाँ पर बात सुन लीजिए कि ईमैन हमें कुछ बोलना चाहते हैं। सो सुन लीजिए आप पहले ये बात, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। I got kicked out. Shh. Feels like we're stopping. We are stopping, Jason bol raha hai. So I don't know kya hai. Yahan par 15 shayad enemies hai. So ready. सॉरी ये यहाँ पर लड़की है वुमेन, आई विल टेक द नेक्स्ट वन। सो अच्छा ठीक है, आपको भी क्या चिंता है, यहाँ पर जेसन बैठा है वरना गड़बड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पर ईमैन बोल रहा है कि मैं आया था, उनने हमें मारा जब मैं यहाँ पर आया था। सो अब देखते ऊपर यहाँ पर कोई एनिमी है या नहीं, और 3 एनिमी से 4 लोग थे, हमने उनको मार दिया है। अब यहाँ पर और क्या आ चुका है यहाँ पर, कुछ तो ये लोडिंग दिखा रहा है, कुछ हट के आने वाला है। तो फायर द हेलीकॉप्टर, तो अब हमें हेलीकॉप्टर को मारना है, यदि हेलीकॉप्टर को मारना है जो कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हेलीकॉप्टर को अगर हम नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे फिर अगर हम किरण को मारते हैं जो कि हेलीकॉप्टर हमें आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम जाते हैं इससे बाहर, देखते हम अपनी इस असॉल्ट राइफल से हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं। सो अभी तो ये इसकी हालत जा ही नहीं रही है, मुझे लगता है बज़ूका हमें यूज़ करना होगा जो इन गेम वालों ने हमें दिया है। सो देख सकते हो आप,
सो नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो हमारे पास अभी 13 वेस्टेज है, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सो अब हेल्थ थोड़ी कम हो रही है, अब हम इसे डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि हमारे पास बंदूक है और इसकी अनलिमिटेड एमोज भी है। तो अब हम इसे मार देते, वेट, मर जा जल्दी से। और यहाँ पर आधी हेल्थ तो हो चुकी है, अब हमें और हेल्थ इसकी काम करनी है। और डिस्ट्रॉय हो चुका है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो वेट कीजिए यहाँ पर। सो यहाँ पर फिर से लोडिंग हो रही है कुछ। लेट्स गो, और बेनी इसका नाम है। Frank will kill me. If you don't let her go, I'll kill you. Yeah, well, at least you'll be quick about it. Come on, Penny. Ben, don't do this. Frank will torture me. Take his sweet time chopping me into bits and then sell my organs to Lester. What if we make it? Lester भी है इसमें कोई कैरेक्टर, हम अभी लेस्टर को नहीं जानते। Look, Ben, let Karen go and I'll rough you up real good. Make you look like a hero, a lone survivor. Oh, Frank will still kill me. Oh, you don't know that. He says to me, he says, next time you fail me, you're dead, Benny. He tells you that all the time. ये छोड़ ही नहीं रहा है, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अब बेनी हमें मान ही नहीं रहा है। और वीरा ने इसको मतलब मार दिया है, और मारा नहीं है मतलब गोली मारी है पैर पे। सो कुछ बोल रहा है अब, इसका नाम है वीरा। अब जेसन, ट्रस्ट मी बड़ी दिस फॉर यू। सो यस गाइस, इसलिए जेसन ने इसे ये बोला क्योंकि अगर बेनी आता है, फ्रैंक इसके पास आता है, ये बोलेगा कि उनने मुझे गोली मारी और पीटा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। और इसने रियून की, इसने हमें धोखा दिया क्योंकि इसने वीरा को किडनैप किया। सो अब हम इसके साथ नहीं मिलेंगे। सो देखते हैं, अगर फ़ायदा हुआ इसके साथ तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लुक फ्रैंक, लेफ्ट इज राइट फॉर यू। सो फ्रैंक ने अपने बंदे हमारे पीछे लगा दिए, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सो देख सकते हो, 1, 2, 3 गाड़ी है, 3 क्या 2। यहाँ पर वीरा बोली दीज मदर फकर, अरे भाई क्या हुआ वीरा। और वीरा को गोली भी लगी है। सो इसका इलाज हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी जाएंगे दूसरी कंट्री में, अगर हुआ तो दूसरी कंट्री में जाएंगे, बिकॉज कि हमें वीरा का इलाज करना है। सॉरी वीरा, शायद वीरा ही नाम है, या किरण, वीरा यस गाइस, क्योंकि किरण को हमें बचाना है। वीरा को हमें ले जाना होगा दूसरी कंट्री में, हम इसका इलाज करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो 3D सीन्स क्या आ रही है, कटेड सीन्स। यू बॉयज वेयर 3 वेज ओनली आई वॉच यू टू बिलीव इट ईच अदर फर्स्ट। सो देख सकते हो अब वीरा ने ब्रेक मारी और दोनों ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी, दोनों ख़त्म हो गई। सो अब हमें और जो कि बंदे हैं उनको मारना है। कुछ ईमैन कुछ हमें बोल रहा है, ओह नो 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 नो, क्यों ईमैन क्या हुआ, कोई भी आपको नहीं मारेगा। सो यहाँ पर ये लोग, इनको क्या हुआ, ये भी मर चुके। शिट, यहाँ पर कुछ बोल रही है किरण। यहाँ पर हम जाएंगे लेफ्ट साइड से। यस गाइस, यहाँ पर जा चुके हैं हम लेफ्ट साइड से, अब हम जाएंगे इस कंट्री से बाहर अगर गए। सो अभी तो मतलब पूरा हमें कंफर्म नहीं है। और गाइस, चूँकि बाकी एपिसोड थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, और चूँकि मैंने पुलिस भी लेफ्ट कर लिए क्योंकि इनने वीरा को किडनैप किया, सॉरी किरण को किडनैप किया, हमें went down in the third. Look, don't take it personally, kid. I didn't know you. You weren't shit to me. But damn it if I haven't grown to like you. You woke me up from a sleep I didn't realize I was sleeping. गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर जेसन बोल रहा है वीरा को, आओ मत। वीरा, व्हाट आर यू डूइंग, वीरा क्या कर रही है, हमें मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। गाइस, गो टू द बोट, ये हमें बोल रही है, हम गए। ओ नो गाइस, शिट यार, अब मुझे समझ आ रहा है कि वीरा मतलब सुसाइड करने के लिए जा रही है। शिट गाइस, शिट, ये बहुत ही बड़ा पंगा हो चुका है, वीरा ने सुसाइड कर लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। सो ये था आज के इस एपिसोड में, और एंडिंग ने इसकी बहुत सैड हुई। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि वीरा ने मतलब सुसाइड क्यों किया, क्यों किया वीरा ने सुसाइड, इस पे हम एक नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं। तो अब हमें जाना है यहाँ से। शीट शीट वर्त, सो यहाँ पर क्या बोल रही है ये, और यहाँ पर सब लोग रो रहे हैं, ये क्या हुआ। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मैं किरण पे अगला एपिसोड बनाऊँगा एक